आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे रासायनिक आबंधन। रासायनिक आबंधन से बेटा एक क्वेश्चन जरूर आता है, और याद रखना बेटा जेट में भी सिलेक्शन चाहिए, आईसीआर में सिलेक्शन चाहिए, तो केमिस्ट्री बेस्ट बढ़िया होनी चाहिए, आवश्यक है। और केमिस्ट्री में क्या है, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड केमिस्ट्री है। आज अपन क्या करेंगे, इस वीडियो में एक शानदार बात बताएंगे जिससे कम से कम 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन आपके सोल्व होते हैं, और उनमें से कम से कम 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन जेट में इस बार जरूर आने की संभावना है। टॉपिक का नाम है रासायनिक आबंधन। टॉपिक का नाम क्या बेटा, रासायनिक आबंधन है। और अपन देखो रासायनिक आबंधन की बात करें तो इसमें आता है सहजता बंध सिद्धांत। सबसे पहले आता था सहजता बंध सिद्धांत की बात करें तो सहजता बंध सिद्धांत दिया था लुईस व कोसे, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर सहजता बंध सिद्धांत दिया। और ये सिद्धांत कब दिया, 1916 में। कब दिया बेटा, 1916 में। वैज्ञानिक का नाम क्या था, लुईस और कोसेल था। इसमें सबसे पहले बात आती है सहजता क्या होता है, और सहजता से बात करें सहजता कोष, कौन सा कोष बेटा, सहजता कोष। सहजता कोष का एक दूसरा नाम भी है, इसे सहयोजी कोष भी कहते हैं, सहयोजी कोष भी कहते हैं। बात एक ही बात है, सहजता कोष और सहयोजी कोष। सहजता कोष क्या है और सहयोजी कोष क्या है, कोई भी परमाणु है, मतलब किसी भी परमाणु के बारहतम कोष, बारहतम कोष को कौन सा कोष कहते हैं, सहयोजी कोष कहते हैं बेटा। कौन सा कोष कहते हैं बेटा, सहयोजी कोष कहते हैं। इस सहयोजी कोष का ही नाम क्या है, सहजता कोष है। दोबारा सुन लो, किसी भी परमाणु के कौन सा कोष, बारहतम कोष। बारहतम कोष को क्या कहते हैं, अंतिम कोष कहते हैं। और इस अंतिम कोष को बेटा क्या कहते हैं, सहजता कोष कहते हैं। तो याद हो गया सहजता कोष। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मैं लेता हूं सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसके पहले कोष में होता है, जैसे इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़े तो 1s2 होता है बेटा, 2s2 होता है, 2p6 होता है, और 3s1 होता है। अब कोष किस, देखो कोष कौन से होते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन विन्यास में जो नंबर लिखे हुए हैं ये कोष है। ये पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दो नंबर में क्या है, 2s और 2p, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। और 3s में कितने हो गए, 1। मतलब पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोष में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट कोष जिसको अपन कहते हैं बारहतम कोष कहते हैं, अंतिम कोष कहते हैं, बारहतम कोष कहते हैं, और अंतिम कोष को क्या कहते हैं बेटा, सहजता कोष कहते हैं। तो समझ में आ गई बात कि किसी भी परमाणु के बारहतम कोष को क्या कहते हैं, सहजता कोष कहते हैं, और सहजता कोष या सहयोजी कोष कहते हैं। और बेटा इसको सहजता कोष से ही परमाणु की क्या निर्धारित होती है, सहजता निर्धारित होती है। जैसे आप कहते हैं ना भाई कार्बन की सहजता 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, वो सहजता बेटा किस पर डिपेंड करती है, सहयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, अर्थात बारहतम कोष की इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। अब बात ये आती है, ये तो है सहजता कोष। अब एक और आता टॉपिक सहजी इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन आता बेटा, सहजी इलेक्ट्रॉन। सहजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, सहजता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, सहजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल बात करें अपन, सोडियम का अंतिम जो 3s है, तीसरा कोष है, उसे अंतिम कोष कहते हैं, उसी कोष का नाम है सहजी कोष है। और उस सहजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन है। और इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, सहजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस एक कोष में जो बारहतम कोष है, लास्ट वाले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गई बात। जैसे दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, लिथियम लेता हूं, और लिथियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है बेटा 3। पहले कोष में कितने पर हो गए, 2, 1s में। 2s में कितने पर हो गए, 1।
अब बताओ इसका अंतिम कोष कौन सा हुआ, दो नंबर, और दो नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, एक, इसका मतलब हो गया इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, अर्थात संयोजकता कोष हो गया दूसरा और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, एक, अर्थात इसकी संयोजकता कितनी हुई, एक हो गई। अब अपन बात करते बेटा शानदार पॉइंट की, बात करते हैं शानदार पॉइंट कौन सा, देखो भाई प्रत्येक परमाणु में संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसकी संयोजकता क्या होती है, इस पर कितना आवेश होता है, इसके लिए मैं एक चार्ट बना रहा हूं और वो आप चार्ट याद करना है, कंप्लीट आपको पढ़ना है बेटा, ठीक है। हाँ बेटा अब अपन पढ़ रहे हैं टॉपिक का नाम संयोजकता कोष, पढ़ लिया संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन, पढ़ लिया संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, पढ़ रहे बेटा ये आपको वर्ग है और ये वर्ग आपको याद रखने बेटा, ये एक सारणी है, इस वर्ग से कम 7 क्वेश्चन टाइप होते हैं, 7 प्रकार के क्वेश्चन इससे होंगे, ठीक है। और देखो सबसे पहले पूछ ले कि पहला वर्ग बोलते हैं फर्स्ट ए बोलते हैं इसको, मेंडलिव के अनुसार फर्स्ट ए बोलते हैं, और इसका देखो है क्या, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम और फ्रांसियम, और ये जो साइड में लिखा हो याद करने की ट्रिक है, यदि आपको याद करने की ट्रिक पहले याद है, पुराने कोई दूसरी ट्रिक याद है तो नहीं इसको याद करने के लिए आवश्यकता नहीं है, और यदि पुराने याद नहीं है तो इन ट्रिकों की सहायता से इसे याद कर सकते हैं। देखो हाँ बेटा देखो पहली ट्रिक है हेलीना की रब से फरियाद, हेलीना की रब से फरियाद। दूसरा वर्ग है इस वर्ग में कितने इलेक्ट्रॉन है, सभी में, इस वर्ग में संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें इसकी संयोजकता एक होती है, अर्थात इन पर प्लस का एक चार्ज होता है, याद रखना ऑक्सीजन अंग भी कितना होता है, प्लस का एक चार्ज होता है, अपन एक यूनिट में पढ़ेंगे एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में ये एस ब्लॉक के दोनों वर्ग है, ये और ये दोनों वर्ग एस ब्लॉक के हैं, तो इसको वहां दोबारा पढ़ेंगे, तो अभी यही याद कर लो आप। इसके बाद में देखो बेटा सेकेंड वर्ग की बात करें, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रॉन्शियम हो गया, बेरियम हो गया और रेडियम हो गया, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, इनको याद करने का तरीका है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, कोई इसको राजी बोलते हैं और बेटा बाप को भी राजी नहीं होता स्कूटर के लिए, पैसे खर्च होते ना इसलिए राजी कोई नहीं होता, रोते ये सब, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। इसकी एक दूसरी ट्रिक भी है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ऐसे नहीं होगा बेटा, है ना, आप याद कर लेना बेटा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाह्यतम कोष में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, अर्थात इसके संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब भी मैं पूछूंगा तो आप याद रखना कि पहले वर्ग में कितने इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, जब भी इसमें पूछूंगा इनमें से कोई सा भी तत्व दे दिया तो आपको याद रखना है कि संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तीसरे वर्ग की बात करें, थर्ड ए की बात करें, मेंडलिव के अनुसार थर्ड तीसरा वर्ग होगा जिसमें बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थेलियम, और इसको याद करने का तरीका क्या है, बिना इलायची गरम इंडियन टी, बिना इलायची गरम इंडियन टी। इसका दूसरी ट्रिक भी है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, इन सभी के बाह्यतम कोष में, इन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, तो इनकी संयोजकता भी कितनी पाई जाएगी 3 पाई जाएगी बेटा। चौथा वर्ग की बात करें अपन, चौथे वर्ग में है कार्बन है, सिलिकन है, जर्मेनियम है, टिन है और पी भी है, इनका याद रखने का तरीका क्या है, इन दोनों शब्दों को एक साथ बोलना, काशी गए शंकर प्रभु, क्या याद रखना बेटा, काशी गए शंकर प्रभु, और इनके बाह्यतम कोष में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 4, इनके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है पांचवा वर्ग, आता है बेटा पांचवा वर्ग क्या है, नेपाल पाक ऑस्ट्रिया सब बीके, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मिथ, और इनके बाह्यतम कोष में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और छठा वर्ग की बात करें, कौन से वर्ग की, छठे वर्ग की बात करें, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल का हम लोग ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोरियम है, पोलोनियम, और इनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बेटा 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं
छह इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सातवां वर्ग और आठवां वर्ग बेटा थोड़ी देर में अपन लिख लेते हैं, जगह का अभाव है आगे लिख लेंगे। एक बार दोबारा सुन लो कि इसके भारतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो पहले वर्ग में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन। दूसरे वर्ग में दो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तीसरे वर्ग में बेटा तीन इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और चौथे वर्ग में चार इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और पांचवे में पांच इलेक्ट्रॉन और छठे में छह इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन को ये वर्ग याद रखना, और गारंटी लेता हूं बेटा इससे कम से कम सात क्वेश्चन आपके सही होंगे। कितने क्वेश्चन सही होंगे? सात क्वेश्चन। हर जगह पूछ लेता है, कितना क्या पूछ लेते हैं, हर जगह पूछ लेता है। 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था, मैं अभी बताता हूं। 2018 में ये पूछा था कि पास फोर्स में कितने एग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पास फोर्स में कितने एग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके भारतम कोष में कितने, पांच, और NS और NP होता है। S में दो इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं और P में कितने भर जाते हैं, तीन, क्योंकि भारतम कोष में पांच। कैसे पता चला कि कौन से वर्ग में आ रहा है बेटा, पांचवें वर्ग में आ रहा है, और पांचवें वर्ग में आ रहा है तो उसके भारतम कोष में टोटल पांच इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। S में एक कक्षक बनता है, सबको याद होगा। P में तीन कक्षक बनते हैं, कितने बनते हैं, तीन कक्षक। S में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन बेटा, और P में कितने, तीन। तो आप उस सिद्धांत के अनुसार पहले एक एक भरेंगे तो कितने एग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, तीन इलेक्ट्रॉन एग्मित पाए जाते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, पांच, उनमें से एस में दो भरेंगे और पी में तीन, एक एक भरे जाएंगे तो एग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तीन होगी। इस वर्ग में सभी में एग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या तीन पाई जाएगी। अब अपन एक देखो अगला वर्ग पढ़ते हैं, कौन सा, सातवां वर्ग। अपन सातवां वर्ग की बात करते हैं। सातवां वर्ग में देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटाइन है बेटा। इसका कोड क्या है याद करने का, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। और इसके भारतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, सात होते हैं। इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सात इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। और देखो आठवां वर्ग की बात करें, आठवां वर्ग बोल सकते हो, इसे शून्य वर्ग भी बोल सकते हो, आठवां वर्ग या शून्य वर्ग बोल सकते हो। और इस वर्ग में आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन। और इनके भारतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अब क्वेश्चन वो बता रहा हूं जो क्वेश्चन जेट में जरूर आएगा, वो कौन सा है बेटा, हीलियम। हीलियम के भारतम कोष में केवल दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये अष्टक पूर्ण नहीं करता है। इसके भारतम कोष में दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और बाकी सभी जो तत्व पाए जाते हैं इनमें नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जिनोन है, रेडोन है, इनके भारतम कोष में बेटा आठ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आठवें वर्ग में कौन सा तत्व ऐसा है जिसके भारतम कोष में दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और दो इलेक्ट्रॉन पाए जाने वाला कौन सा है, हीलियम है, या जिसके भारतम कोष में आठ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते वो कौन सा क्वेश्चन है, वो है अपना आंसर हीलियम है बेटा। तो ये अपना आज अपने क्या पढ़ा कि संयोजी कोष किसे कहते हैं और संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अपने सॉरी आठ वर्ग पढ़े, और आठ वर्ग की बात करें तो उनमें देखना बेटा कि प्रत्येक वर्ग में एक एक आपको पाए बता दिया मैंने कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और आठ वर्ग से सात इलेक्ट्रॉन, सात क्वेश्चन पाए जाएंगे, सॉरी आएंगे, और सात टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनमें से देखना बेटा कि आपके कितने टाइप के हो सकते हैं। और इस बात को ध्यान रखना है बेटा एक बार कि इस वीडियो को जो अपने YouTube चैनल पर है, इस वीडियो को अपने साथी दोस्तों को, अपने जो स्टूडेंट है और अपने जो रिश्तेदार है, जो भी है, इनको जो पढ़ने वाले हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आप शेयर करो, जिससे मैं और उत्साहित होकर के और एनर्जी के साथ बढ़िया बढ़िया वीडियो, और कल इसके वीडियो से इससे संबंधित मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आपको आज के लिए धन्यवाद।